व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष की स्कूटी की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए लेकर रफूचक कर हुए चोर। दरअसल पूरा मामला मोठ कोतवाली क्षेत्र के डाकखाने के पास से सामने आया है, जहां पर व्यापारी की गाड़ी की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए चोर लेकर रफूचक कर हो गए। घटना की सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जाँच पड़ताल में जुटी। घटना में व्यापारी के मुताबिक 2,20,000 रुपए बैंक में जमा करने गया था। बैंक में भीड़ ज्यादा होने के कारण वह अपनी दुकान पर वापस आ गया, जिसके बाद उसने अपनी स्कूटी अपनी दुकान के बाहर खड़ी कर दी। जब उसने पैसे देखे तो उसमें 1.5 लाख रुपए गायब नजर आए, जिससे व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। नाम बताओ भैया, क्या नाम है और क्या घटना घट गई आपके साथ? मनीष कुमार शर्मा नाम है हमारा। 11 बजे हम बैंक गए, बैंक में भीड़ थी तो हमने वहाँ पूछा, हमने 1 घंटे बाद आ जाए तो उन्होंने कहा ठीक है 1 घंटे बाद आ जाना। मैं स्कूटी से गया था, मैंने वापस पैसे स्कूटी में रख ली, डिग्गी में डिग्गी लॉक कर दी। वहाँ से आके अपनी दुकान के बाहर हमने स्कूटी खड़ी कर ली और 10 मिनट बाद जो मेरे कैमरे में दिख रहा है लड़का, 10 मिनट बाद 2 लड़के दिख रहे हैं, वो आए स्कूटी में से उन्होंने पैसे निकाले और 3 गड्डी निकाली उन्होंने 500 की। बाकी 3 गड्डी पैसे थे आपके? पैसे थे हमारे 2,20,000 जी। बाकी पैसे उसी में डले हैं। RTGS का फॉर्म डला है, फॉर्म जमा करने वाला डला है, आधी पन्नी भी डली है। कितने पैसे ले गए? 1.5 लाख रुपए ले गए, 500 की 3 गड्डी, बकाए सारे पैसे उसमें डले हैं। आपकी दुकान है? डाकखाने के बगल में, KCP इंटर कॉलेज के लिए उसी रास्ते में। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी है। सीसीटीवी वगैरह कैमरे में क्या? सीसीटीवी में दोनों की क्लियर फोटो आ रही है, दोनों लड़कों की। क्या दिखाई दे रहा है? कोई वाहन से थे, पैदल थे? एक मोटरसाइकिल से थे, मोटरसाइकिल का कोई नंबर नहीं था। एक आगे का लड़का बैग टांगे हुआ था पीछे, पिट्टू बैग, और पीछे वाला लड़का काले कलर की टी शर्ट और लोअर पहने हुए था स्लेटी कलर का। यहीं से देखो, खिलेगा।